नमस्कार, मैं हूं प्रगति सेन और आप देख रहे हैं खबर हटा की। हाई टेंशन लाइन के संपर्क में आई पलकिया मशीन, एक मजदूर की दर्दनाक मौत, दो झुलसे गंभीर हालत में सिविल अस्पताल में भर्ती। हटा थाना क्षेत्र के ग्राम इटवा हीरा लाल में शनिवार की सुबह दर्दनाक घटनाक्रम सामने आया है। ग्राम पंचायत में सिद्ध बाबा के समीप बने कुएं में करीब एक दर्जन मजदूर पलकिया मशीन से मुरम खुदाई का कार्य कर रहे थे, तभी पलकिया मशीन कुएं के ऊपर से गुजरी, हाई टेंशन लाइन के संपर्क में आ गई। इस दौरान करंट की चपेट में आने से तीन मजदूर झुलस गए, जिन्हें गंभीर हालत में आनन फानन में सिविल अस्पताल हटा में भर्ती कराया गया, जिसमें से एक मजदूर की सिविल अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं एक मजदूर का उपचार हटा सिविल अस्पताल में जारी है, दूसरे मजदूर को गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत के सरकारी कुएं में करीब एक दर्जन कुएं में पलकिया मशीन से मुरम खुदाई का कार्य कर रहे थे, तभी मनोहर लाल पिता इमरत अठिया उम्र 38 वर्ष, मूरत पिता दौलत सह उम्र 37 वर्ष, कन्हैया पिता खेत सह लोधी उम्र 24 वर्ष सभी निवासी इटवा हीरा लाल के हैं। यह मजदूर मशीन के संपर्क में थे और कार्य कर रहे थे, तभी अचानक पलकिया मशीन ऊपर से गुजरी हाई टेंशन लाइन के संपर्क में आ गए, जिससे वह करंट की चपेट में आ गए और बुरी तरह झुलस गए, जिन्हें गंभीर हालत में सिविल अस्पताल हटा में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान मजदूर मनोहर लाल अटिया की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं मूरत सिंह को गंभीर हालत में 108 वाहन की मदद से जिला अस्पताल रेफर किया गया है और कन्हैया लोधी का उपचार हटा सिविल अस्पताल में ही किया जा रहा है। घटना से परिजनों का रो रो का बुरा हाल है, गांव में मातम पसरा हुआ है। वहीं हटा पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई के उपरांत मर्ग कायम कर मामले की विवेचना में जुट गई है। खबर हटा के साथ दीपक पटेल की रिपोर्ट। जी मनोहर सिंह शासकीय कुगा में काम कर रहे थे, तो मजदूरी कर रहे थे, तो उसमें मतलब भाई पट्टा निकालने वाली मशीन रह गई है, तो वहाँ पर बोलते बड़ी लाइन में टच हो गया, उस वजह से अस्पताल हो गए हैं, साथ में एक मजदूर और थे। कौन खत्म हुआ है, क्या नाम है उनका? एक जो गंभीर है उनका क्या नाम? क्या कर रहे थे वो? मजदूरी कर रहे थे। फिर कैसे हादसा हुआ? हादसा ऊपर लग गया, थोड़ी लाइन में टच हो गया, वो मशीन रहती ना उसमें टच हो गया।